हेलो दोस्तों, मैं हूं इलेक्ट्रिकल बीस्ट। एक बार फिर मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आइए, मैं एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के आपको बता रहा हूं। एक्सटेंशन बोर्ड जो घरेलू उपयोग में आते हैं, जो एक स्विच से तीन सॉकेट को कैसे ऑपरेट किया जाता है, मैं आज इसका कनेक्शन आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे चीज़ अपने घरेलू कामों में बहुत ही उपयोगी होते हैं, जैसे कई प्लगों की आवश्यकता पड़ती है वहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आइए इसका कनेक्शन करते हैं। इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं रोज लेकर आता रहता हूँ। आइए देखते हैं इसका कनेक्शन कैसे होता है। इसमें तीन सॉकेट हैं और एक स्विच है, जो एक ही स्विच से तीनों सॉकेट काम करेंगे। इसके कनेक्शन के लिए, इस एक्सटेंशन बोर्ड के लिए हमको एक स्विच और तीन सॉकेट की आवश्यकता पड़ेगी, और एक छोटी सी बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, जो मार्केट में मिल जाते हैं। 40-50 रुपये में बोर्ड मिल जाएगी, और 10-20 रुपये में सॉकेट आएगी, और 10 रुपये में स्विच आएंगे। तो आप घर बैठे बैठे इसका कनेक्शन कर सकते हैं, बना सकते हैं और अपने प्रयोग में ला सकते हैं इसको। तो आइए, इसके लिए कुछ वायर्स की ज़रूरत पड़ती है कनेक्ट करने के लिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं आपको मैं बताता हूँ। ये सॉकेट में, ये 5 पिन सॉकेट है, ये 2 पिन सॉकेट है, ये भी 5 पिन सॉकेट है, और ये बीच में जो लगी हुए वो स्विच है। तो एक इस सॉकेट में ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, 2 टर्मिनल होते हैं, और ये ऊपर वाली टर्मिनल अर्थ होता है। तो इसमें 2 ही टर्मिनल का हम लोगों का काम है एक्सटेंशन बोर्ड में। ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, इसमें भी ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, और इसमें भी ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, ये 2 पिन सॉकेट है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल पॉइंट को आपस में शॉर्ट करेंगे। तीनों सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट को आपस में शॉर्ट करते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट को आपस में हम शॉर्ट करते हैं। इसके लिए हमको कोई भी कलर का वायर चाहिए। मैं न्यूट्रल पॉइंट ब्लैक कलर से ही यूज कर रहा हूँ। इस वायर में बीच में कट छिली हुई है, इसका इंसुलेशन ऊपर से हटी हुई है। इसको बीच में यहाँ रख दीजिए और इसको स्क्रू से कस दीजिए। टर्मिनल की जगह वाली वायर बिल्कुल छिली हुई है, इसके छिली हुई वायर पे स्क्रू जाकर टच कर गया है। ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। अब इस सॉकेट का न्यूट्रल पॉइंट देखिए कहाँ है। एन जहाँ लिखा होगा एन, वही न्यूट्रल पॉइंट है। ये कभी भी लेफ्ट साइड में ही रहता है। न्यूट्रल पॉइंट सॉकेट के लेफ्ट साइड में ही रहता है, राइट साइड में लाइन वाला पॉइंट रहता है, यानी फेज पॉइंट रहता है। तो इसमें एन पॉइंट ये है, इसको न्यूट्रल दे दिया गया यहाँ से। अब इधर वाले सॉकेट को भी न्यूट्रल दे दिया जाएगा, इसका भी एन पॉइंट ये है। ये तीनों सॉकेट में न्यूट्रल शॉर्ट कर गया एक दूसरे से, इस एन में, इस पॉइंट में और इस एन पॉइंट में, तीनों न्यूट्रल है। ब्लैक वाली वायर जो दिख रही है न्यूट्रल हो गया। अब इसमें फेज की आवश्यकता है, इस तीनों सॉकेट में फेज की आवश्यकता है। और फेज हम स्विच के थ्रू देते हैं, डायरेक्ट फेज नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट न्यूट्रल ही दिया जाता है और स्विच के थ्रू फेज दिया जाता है इसमें। तो इसमें तीनों सॉकेट को शॉर्ट कर लिया जाएगा फेज के लिए। ये फेज पॉइंट को शॉर्ट कर रहा हूँ। ये भी वायर बीच से छिली हुई है और 2 पिन सॉकेट के स्क्रू के नीचे आ जाएगी। ये एल पॉइंट है, 5 पिन सॉकेट का एल पॉइंट में जाएगा ये। ये एल पॉइंट में आ गई। अब एक सॉकेट का एल पॉइंट और बच गया है, इसको भी दे देते हैं एल पॉइंट से। तीनों सॉकेट में एल पॉइंट आ गया। अब इस एल पॉइंट का एक सिरा बच गया है, ये जो स्विच के थ्रू ये तीनों सॉकेट में आएगा। तो इसको एक सिरे को स्विच में कनेक्ट कर लीजिए। स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं, किसी एक टर्मिनल में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने स्विच के एक टर्मिनल में इसको कनेक्ट कर लिया, ये टर्मिनल स्विच है, ये देखिए, ये स्विच है, ये 3 सॉकेट है, इसको कनेक्ट कर लिया। तो ये कनेक्शन, इसका कनेक्शन कंप्लीट कर लिया मैंने।
अब इसमें मेन सप्लाई हमको देना है मेन लीड से। दोस्तों एक बार वीडियो को देख लीजिए, ये कनेक्शन कैसे हुई है। ये ब्लैक वाली वायर एन पॉइंट से इस एन पॉइंट में आई है, फिर इस एन पॉइंट में आ गई है। ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये डायरेक्ट है, और ये लाइन वाली जो पॉइंट है इस स्विच के थ्रू इसमें आ रही है, स्विच के थ्रू इसमें आ रही है, और स्विच के थ्रू इसमें आ रही है। यानी हम स्विच ऑन करेंगे जब जाकर सप्लाई इसमें मिलने पीली वाली वायर में सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आइए इसको मेन लीड से कनेक्ट करते हैं। ये मेरे पास मेन लीड है, ये दोनों, ये न्यूट्रल है और ये फेज है। तो इस न्यूट्रल पॉइंट को एन वाले पॉइंट से डायरेक्ट जोड़ेंगे। ये ब्लैक वाली वायर एन वाली पॉइंट है। सबसे पहले इस मेन लीड को हम इस बॉक्स के ये बोर्ड है, इसके ऊपर एक होल किए हुए हैं, नुकीली चीज़ से इसको होल कर देते हैं। इस होल से इसको अंदर के साइड लेंगे, अंदर के साइड ले लिए, ये अंदर साइड आ गई। और फिर इसके बाद से न्यूट्रल पॉइंट को न्यूट्रल में जोड़ेंगे, एक पॉइंट को न्यूट्रल में जोड़ देंगे। आप दो कलर का भी वायर दे सकते हैं, रेड और ब्लैक दे सकते हैं। तो ब्लैक वाला ये न्यूट्रल मान के चलिए, इसको ब्लैक वाले में देंगे। मेरे पास दोनों वायर पीली कलर की है, इसलिए मैं इसको न्यूट्रल मान के चल रहा हूँ और न्यूट्रल में दे दिए। और ये वाली पीली वायर को मैं सप्लाई मान के चल रहा हूँ, यानी लाइन फेज। इसको हम स्विच में देंगे, सॉकेट में नहीं देंगे, इसको हम स्विच में देंगे। स्विच वाली एक टर्मिनल खाली है, उसमें देंगे इसको। ये स्विच में दे दिए। अब इसमें क्या हुआ, ये दोनों लीड है, न्यूट्रल तो डायरेक्ट तीनों सॉकेट में जा रही है ब्लैक वायर के द्वारा, इसमें और इसमें और इसमें ब्लैक वायर के द्वारा, और फेज केवल स्विच में जा रही है। जब स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच के दूसरी वाली टर्मिनल में चले जाएगी और दूसरी वाली टर्मिनल के थ्रू सॉकेट में आने लगेंगी, तीनों सॉकेट में आ जाएंगी। तो ये रहा कनेक्शन दोस्तों, कनेक्शन ध्यान दीजिए कनेक्शन में, और कनेक्शन देखिए एक बार फिर से देख लीजिए पूरी अच्छी तरह से कनेक्शन, ताकि मैं बोर्ड बंद करने जा रहा हूँ। कनेक्शन देखने के बाद मैं बोर्ड बंद कर दूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप कनेक्शन समझ गए होंगे। अब इस बोर्ड को बंद कर दिया जाए। बोर्ड बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब इसको मैं मेन सप्लाई देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें मेन सप्लाई दे दिए हैं। अब इसको हम टेस्ट करते हैं इस स्विच को ऑन करके कि हमारे तीनों सॉकेट काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए हमको एक होल्डर बल्ब की ज़रूरत पड़ती है टेस्ट करने के लिए, जो मेरे पास है। देखिए ये होल्डर बल्ब है, आप इसमें मोबाइल चार्जर से भी चेक कर सकते हैं, टेस्टर के थ्रू भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने टेस्टर के थ्रू मैं टेस्ट कर रहा हूँ। पहले सबसे पहले मैं इस स्विच को ऑन कर दे रहा हूँ। अब देखिए राइट साइड में लाइन होती है, इस सॉकेट के राइट साइड में लाइन होती है, टू पिन सॉकेट के ऊपर साइड में लाइन होती है। अब देखिए मेरा टेस्टर बता रहा है, इसमें भी बता रहा है, और इसमें भी बता रहा है। और स्विच बंद कर देने के बाद टेस्टर बंद हो रहा है, किसी में नहीं बता रहा है। इसका मतलब आप टेस्टर से भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, और बल्ब जलाकर मैं टेस्ट कर रहा हूँ। देखिए इसमें बल्ब लगा दिया, देखिए दोस्तों ये बल्ब जल रही है इस सॉकेट में। अब इसमें भी बल्ब मैं लगा दिया, इसमें भी जल रही है, बंद हो रही है, इसमें भी बल्ब जला गया, ये भी बल्ब जल गया। यानी ये एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो गया। आप इसे घर बैठे बैठे बना सकते हैं, बहुत कम खर्च में इसको बना सकते हैं आप, बिना मैकेनिक को बुलाए हुए। एक स्विच से तीन सॉकेट को आप प्रयोग कर सकते हैं, एक ही स्विच से तीन सॉकेट को चालू और बंद कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों को एक्सटेंशन बोर्ड की जानकारी। मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। और घंटी को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।